नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज़, जानते हैं जनता का कितना विश्वास, कितनी आस्था है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? स्टेशन सर। मैम कितने समय से आ रहे हो आप डेरा? 20 साल से। कितना विश्वास करते हो गुरु? बहुत। अपने क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, इतना विश्वास है हमें। क्यों विश्वास करते हो मैम? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी? बदलाव आया कि हम कुछ कह नहीं सकते। आज उनकी बहुत ज़रूरत है, हमें सारी पूरी सृष्टि को ज़रूरत है उनकी। उन्होंने काम क्या किए हैं लोगों के लिए समाज? भलाई के काम किए हैं, क्या घर घर में नशा छुड़वाया है, दुनिया की बुराइयां छुड़ाई हैं। मैम 4-4.5 साल हो गए हैं वो समाज में नहीं हैं, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से कैसा प्रभाव पड़ा है समाज? बहुत प्रभाव पड़ा जी, दुनिया में कितनी महामारी आई है देखो, घर भर में वही फिर शुरू हो गया, जैसे नशे करने लग गए लोग। तो मेरे ख्याल से तो उनको अभी आना चाहिए, जैसे वो अब गुड़गांव में है, उनको तो अभी सत्संग करना चाहिए आके। तो आएंगे ना वो 8 दिन में भी संगत उनके साथ ऐसे जुड़ जाएगी ना, जैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा संगत। जरूरत है मैम उनकी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो तमाम दूसरी तरफ उनके बारे में बातें उठाई जा रही हैं, जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है? वो तो दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले तो कुछ कहते रहे, हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास, कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या मांग करोगे सरकार से? हमारी तो यही मांग है, हमारे पिताजी को बीच भर बेहाजत रही किया जाए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मांग है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा समाज में आने चाहिए, उनके सत्संग मिलने चाहिए, समाज में बदलाव आएगा। इनका कहना है जो समाज में नशा फैलता जा रहा है उसके ऊपर रोक लगेगी अगर संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के समाज को सत्संग मिलते हैं, वो समाज में वापस आते हैं। आप भी देखते रहिए जनता की अपील, जनता की मांग, जनता की बातचीत, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।